तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो भाई हम आ चुके हैं गांव। आप लोग स्टोरी मेरा देखते होंगे तो आप लोग को पता होगा अभी हम गांव आ चुके हैं। तो आज संडे है भाई, तो आज का राइड संडे राइड गांव से ही स्टार्ट करेंगे। तो पहले भाई चेकआउट करो ये लोकेशन, क्या मस्त है ना। और अभी सनराइज़ हो रहा है, प्यारा प्यारा एकदम मस्त। तो आप लोग को थोड़ा सिनेमैटिक दिखा देते हैं यहाँ का सनराइज़ का, मस्त लग रहा है भाई। उसके बाद फिर राइड कंटिन्यू करेंगे। अभी तो यहाँ गांव में अभी रांची जाएंगे, आज ही निकलेंगे। तो भाई सिनेमैटिक एंजॉय करो। भाई आप लोग को सिनेमैटिक कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी इंस्टाग्राम का आईडी भी आ रहा होगा, जाके फॉलो कर लो यार। तो आ चुके अभी हम दतुन तोड़ने के लिए, करंज पेड़ के सामने देख सकते हो ये करंज पेड़ है। तो भाई गांव और दतुन से मुंह ना धो तो भाई गांव वाला वाइब नहीं आता एक। तो भाई अभी जल्दी से तोड़ते हैं और फिर आप जल्दी निकलना सोच रहे हैं, इसीलिए जल्दी मुँह धोवा लेते हैं। और फिर सोच रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम है तो यहाँ का जो अच्छा अच्छा लोकेशन है, लोकेशन क्या बोले, जहाँ बचपन में बहुत जाते थे वहाँ पहले जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कैसा है। आप लोग ऐसा लगता है बताइए कमेंट में। चले ठीक है, तो पहले जल्दी से दतुन तोड़ लेते हैं। तो अभी ले चुके हाथ में दतुन और आ चुके हैं भाई हम जहाँ पहले बचपन में बहुत आते थे आम खाने के लिए। अभी देखते हैं भाई आम है कि नहीं, क्योंकि अब ऐसे तो हमको दिख नहीं रहा। अभी यहाँ देखो चार पेड़ हैं, चार ने तीन पेड़ है, एक दो तीन, एक सूख गया, गिर गया एक, क्योंकि उसके ऊपर बिजली गिर चुका। एक बार नहीं भाई, दो दो बार बिजली गिरा उस पेड़ पे, इसीलिए वो गिर गया। मस्त लग रहा है नहीं तो, आम है कि नहीं भाई देखते। यही है भाई हम लोग का गांव का सरकारी स्कूल और इसके सामने आम का पेड़। भाई इस बार लग रहा है एक भी आम नहीं है, हमको तो नहीं दिख रहा कहीं पर भी एक भी आम। इसी कारण से अभी सुबह सुबह कोई नहीं आता, नहीं तो पहले भाई जब आम लगता था ना सुबह सुबह बच्चा रहता था, आम सुबह सुबह आम गिरता है ना, तो सुबह सुबह बच्चा लगता था यहाँ पे आम चुनने के लिए। इस साल तो लग रहा है फला ही नहीं है, एक भी आम नहीं दिख रहा हमको। तो भाई दतुन करते करते हम आ चुके अभी छोटा सा वेल के सामने, कुआं के सामने। और यहाँ पे इस कुआं में भाई मस्त मस्त छोटा छोटा मछली है, दिखाते हैं आप लोग कैसा मछली है। भाई अभी गोप्रो लेके आते ना मज़ा आता भाई। भाई तो यहाँ से निकलते हैं, अब जाते हैं दूसरा जगह पे। तो भाई अभी आ चुके हैं हम लोग का छोटा सा तालाब पे। देखो मस्त मस्त कमल फूल उगा हुआ है। ओ भाई बड़ा सा मछली था यार, तो पहले यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही था कमल, अभी थोड़ा कम हुआ शायद, क्योंकि मछली उछली पकड़ा होगा सर इसीलिए कम हुआ है। तो भाई कमल फूल पहले बहुत ही सारा था, आप लोग को दिखाते हैं कितना मस्त लग रहा है ना। उधर भी है, उधर भी है, तो ऐसा कुछ लोकेशन यहाँ पे मस्त है ना। अब चलो चलते हैं दूसरे लोकेशन पे। तो भाई अब चलते हैं घर, क्योंकि अभी निकलना भी है। तो इधर आप जितना भी देख रहे इधर पूरा धान लगा हुआ है एकदम। अब चलते हैं घर, और जाते वक्त एक हम लोग का छोटा सा क्या बोले, छोटा नदी बोल सकते हैं आप, हम लोग तो उसको गढ़ा बोलते हैं। तो उधर ही से अभी घर जाएंगे, तो देखते हैं भाई वहाँ पानी रहेगा कि नहीं, क्योंकि हमेशा तो गर्मी में वहाँ पानी सूख जाता है और फिर बरसात में भाई फिर पानी आ जाता है, क्योंकि वो पानी जंगल से आता, कोई स्रोत व्रोत नहीं है, जंगल से ही बह के आता है वो पानी। तो होगा तो वहीं पर पैर हाथ धो के फिर घर चल जाएंगे। चलो ठीक है, तो पहुँचते वहाँ पे फिर दिखाते होगा पानी तो
तो डायरेक्ट बाइक में मिलेंगे आप लोग से। तो यही है लोकेशन भाई, पानी बहुत ही कम है और हल्का का गंदा ही है, इसीलिए सोच रहे आप घर ही जाके धोएं। One eternity later. चल दादी बाय बाय, जा रहे दादी, फिर आओ भाई। ठीक से रहना दादी। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ गांव से निकल रहे हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड, जो हाथ कर वेलकम बैक टू माई अदर ब्लॉग। भाई तो ज़्यादा लेट हो गया, धूप तो ऊपर आ गया भाई। बहुत दिन के बाद करंट का दतवन से मुंह धोने में एकदम मजे आ गए, पूरे एकदम फ्रेश फ्रेश एकदम पीता लग रहा था हल्का, मगर मज़ा आ रहा। तो आ चुके हैं हम लोग जंगल में रास्ते पे, यहाँ देखो कैसे अभी थोड़ा चढ़ाव है इधर। जंगल जला हुआ इस साइड, और इस साइड रोड की वजह से आगे नहीं पहुँचे, इधर पूरा जला हुआ इधर। कौन जलाता है पता ही नहीं चलता, हर बार जलता है भाई, हर गर्मी में भाई। जंगल में आने के बाद भाई पूरा एकदम ठंडा ठंडा हवा लग रहा है, फ्रेश फ्रेश। ऐसे तो गाँव तरफ इधर ऐसा इलाके इधर का हवा ही मस्त है, पूरा फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है। और इसी कारण से हम आज बहुत पहले उठ गए, पहली बार हमको लग रहा है कि बिना अलार्म का हम 4:30 बजे उठ गए। बताओ भाई, ये थोड़ा सा हमको लगता है मेरा हाथ वाला वाइब देता होगा हल्का सा, ये रास्ता बस थोड़ा सा होगा। दिखने का ख्वाब है लग रहा है। तो हमने अभी पहुँच चुके टाटी सिंगारी। तो भाई जब भी इधर से आते थे रांची से, तो यहाँ इधर रुक के घुघनी पकड़ी जरूर आते थे। देखते हैं अभी दुकान खुल रही कि नहीं, और घुघनी पकड़ी बना होगी नहीं जी। यहाँ पर पकौड़ी बना है ना। कुछ ज़्यादा ही सीधा है भाई, अभी तक बना भी नहीं था थोड़ी। चलो आज नहीं खा पाए। तो अभी पहले निकलते हैं, पहले जोगा इधर कुछ मिलेगा तो खा लेंगे, तो फिर अब डायरेक्ट रात ही चलेंगे, अब घर ही जाके कुछ खाएंगे। निकल चुके भाई, तो यहाँ भी ऐसा कुछ उगान उगान मतलब दिख नहीं रहा है, तो आज चलते रहे रहा। तो देखो भाई संडे राइड का ग्रुप बनाने वाले पूरा जा रहा है। आजकल बहुत देर निकलता है संडे राइड से, पहले तो उतना देर निकलता नहीं था, आजकल बहुत ही देर निकलता है।
ये जो वाइब है ना रास्ते के बगल बगल में एकदम पेड़ का, ये तो अब काफ़ी से ख़त्म ही हो गया एकदम। काफ़ी अनगाड़ा दिल्ली पोखर वही पूरा पेड़ कट गया उधर का, बस ये वाइब आप लोग जोना में ही देखने को मिल सकता। आने वाले वक्त में तो यहाँ भी नहीं दिखेगा। किनारे कितना पेड़ कटा हुआ है, ये आपको पूरा टाटू सुने पर काफ़ी मिलेगा जी। भाई पूरा पेड़ कटा पड़ा है, अब तो इधर भी कटना स्टार्ट हो गया। देख रहे भाई इधर कितना पुराना पुराना पेड़, कितना बड़ा बड़ा पेड़। मस्त खा चुके हैं भाई कचौड़ी गर्मा गर्म है ना पेट भर, तो अब निकलते हैं घर तरफ। मज़ा आ गया खाते अभी हमें साढ़े चले पहुँच चुके। और भाई सूर्य मंदिर का हूँ नकल वाला है वो मंदिर यहाँ पर, तो अभी पहुंच चुके हम लोग खेलगांव। भाई पेट पूरा भर गया ना, पूरा नींद जान लग रहा है। तो चलो ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और घर जाकर मस्त से सोते हैं। तो ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। ठीक है, जब मिलते हैं तो नए से ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।